corruption. Infrastructure. Health. Gender. Environment. Development. Conflict. Caste. Art and culture. Education. Corruption. Development. Health. Infrastructure. Education. Conflict. Environment. Art. Development. Corruption. आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ झारखंड राज्य के देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर प्रखंड की और एक छोटा सा गांव बवंडी है, जहाँ पानी के अभाव में वर्षा आधारित धान की खेती को छोड़कर बाकी समय पड़े खेत किसानों को किस्मत को अंगूठा दिखाते रहते हैं। इस क्षेत्र के ज्यादातर गांव की तरह बवंडिया गाँव भी एक फसली गाँव है। वर्षा ऋतु में होने वाली धान की खेती के अलावे दूसरी कोई खेती नहीं हो पाती, वजह पानी की समुचित व्यवस्था न हो। इस क्षेत्र में पानी की कमी और पानी की कमी से ग्रामीणों को होने वाली परेशानियों के बारे में जानने के लिए आपको मिलाते हैं यहाँ के प्रबुद्ध किसानों। तो नाम की लागो? जितन पंडित। तो कते दिन से खेती करे करे? 30 साल से खेती कर रहा लियो। अगर अलावे हमने के पानी के व्यवस्था उतना ना हो, खेती हमने करे यो नाम के खाली खेती किसान ही हमने नाम के किसान लिए का है? हमने कोई सुविधा ना हो, पानी के कोई सुविधा ना हो, पानी के सुविधा ना हो ना। तो नहीं खेती कथी से करे? खेती ऐसे ही जब ऊपर वाला वर्षा जो हो वर्षा से हमने खेती बाड़ी कर रहा लियो। तभी तो नहीं जब खेती ना हो पानी के कारण, तो पानी के कारण जब खेती ना हो तो नहीं सरकार के बता कहन रखे? ये बता हमने सरकार के दो तीन बार दरखास्त भी दे चुका लिए, सरकार भी कह चुका लिए को बजिया ना हमने के सरकार ध्यान नहीं दे रहा है, हमने की करिए उपाय, हमने कोई चीज की उपाय ना है। आपके पास क्या समस्या है? हमारी यह समस्या है कि हम लोग एक गरीब किसान हैं और पानी के अभाव में साल भर में सिर्फ एक ही बार धान की खेती कर पाते हैं, वो भी वर्षा होने पर। यदि वर्षा नहीं होती तो शायद ये भी खेती हम लोग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से हम लोगों का विकास अच्छी ढंग से हो नहीं पाता है और एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में भटकना पड़ता है। यदि हमारे इलाके में पानी की समुचित व्यवस्था होती तो शायद हम लोगों का जीवन सही ढंग से चलता, हम लोग सही ढंग से खेती कर पाते हैं। तो आप लोग को ये समस्या कितने दिनों से है? जी हम लोगों की ये समस्या लगभग पिछले कई सालों से है। तो जब ये कई सालों से ये समस्या है, तो आपने इस समस्या को सरकार के पास रखा? जी सरकार के पास बहुत बार दरखास्त भी दिए, लेकिन हम गरीब किसानों की आवाज़ सरकार जल्दी सुन ही नहीं पाते हैं। आपने देखा कि इस क्षेत्र के किसान सिर्फ वर्षा ऋतु में ही केवल धान की खेती कर पाते और बाकी समय इस क्षेत्र का खेत पानी के अभाव में सूखाग्रस्त देखने को मिलता है, जिसके वजह से यहाँ के किसानों का जीविका शेष उपार्जन नहीं हो पाता और ये पलायन पर मजबूर है। अगर इस क्षेत्र में पानी का समुचित व्यवस्था की जाए तो यहाँ के किसान चालू भर खेती कर पाएंगे और अपना जीविका शेष उपार्जन कर पाएंगे। मैं मुकेश रजक, झारखंड के देवघर जिले का इंडियन हट से।